अस्सलाम वालेकुम, गुलशन की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। आज मैं यहाँ पर बनाऊँगी किमामी सिवई। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सिवई। चलिए स्टार्ट करते हैं किमामी सिवई को बनाना। इसके लिए मैं ले लेती हूँ सबसे पहले एक पैन। पैन को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ ये देसी घी। ये मेरा होममेड घी है और इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। मैंने इसमें कम से कम 2 चम्मच घी डाला है और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। बादाम है, छुआरे हैं मेरे पास और मैंने ये नारियल को इस तरीके से कट कर लिया है। कुछ बड़े पीसीस भी हैं और मैंने इसमें ये काजू डाले हैं और चिरौंजी डाली है, मुनक्के डाले हैं मैंने और ये मेरे पास ये मगज के बीज हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से सबको अच्छे से फ्राई करूँगी एक अच्छी सी खुशबू आने तक। इस तरीके से फ्राई करना है, चारों तरफ से चलाते रहना है। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने उसको लंबा लंबा कट कर लिया था इस तरीके से। इस तरीके से कट करने से हमारा ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा लगता है और भिगोने से जल्दी से कट भी हो जाता है। मैंने ये यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अब मैं एक फ्राई पैन में लगभग 4 चम्मच ये घी डालती हूँ और उसको गर्म कर लेती हैं इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर करीब 1/2 किलो सिवई ली है और मैं इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है मोटा मोटा बड़ा बड़ा। और मैं इसको घी में फ्राई कर लूँगी। किमामी सिवई में घी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ी सी सिवई मैंने छोड़ दी है क्योंकि हमारी कढ़ाई में सारी सिवई नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से मैं सारी सिवई को फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन होने तक। चलाते रहिए अपने सिवई को, ऊपर नीचे करते रहिए बराबर, इस तरीके से घुमाते रहिए। घुमा घुमा करके सेक लीजिए अपनी सिवई को चारों साइड से। दबा दबा करके सेक लीजिए, नीचे से भी बराबर पलटते रहिए, वरना अगर आप नीचे से नहीं पलटेंगे तो हमारी सिवई जल जाएगी। इस तरीके से देखिए गोल्डन हो गई हमारी सिवई। इसको निकाल लूँगी और दूसरी भी मैं सिवई इसी तरीके से इसको फ्राई कर लूँगी। और अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें मैं डाल देती हूँ ये छोटी इलायची और 1 चम्मच मैंने घी डाला है। 2 मैंने छोटी इलायची डाल दी है, उसको मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं चाशनी बना रही हूँ किमामी सिवई के लिए। मैं 1 ग्लास इसमें ये पानी डाल दूँगी, पानी को मैं गर्म होने दूँगी, 1 बॉयल आने दूँगी। अब इसमें मैं ये शक्कर डाल दूँगी। हमारे पास 1/2 किलो सिवई थी तो 1/2 किलो ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है। इसको इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से मिक्स करिए, हमारी चीनी अच्छे से घुल जाना चाहिए। ये देखिए हमारी चीनी में एक उबाल आ गया है। और अब मैं इसमें ये कलर डाल दूँगी, ये फ्रूट कलर है। मैंने यहाँ पर येलो कलर लिया है और मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी और 1 तार आने तक इसको बना लूँगी। हमारी चाशनी में 1 तार आ चुका है और मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। इसको चलाती रहूँगी, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। और अब मैंने सारी सिवई एक कढ़ाई में ले ली है और ये गरम गरम चाशनी मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी धीरे धीरे से। मैंने इसमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं जो मैंने फ्राई करके रखे थे और थोड़े से मैंने रोग भी लिए हैं, बाद में सर्व करते टाइम मैं उसमें डालूँगी। अब मैं इसको धीरे धीरे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि हमारा जो चाशनी है वो नीचे बैठ गया है। इस तरीके से ऊपर नीचे कर लूँगी मैं ताकि ये सिवई में अच्छे से चाशनी और सिवई अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं, ये इस तरीके से बहुत आराम से करिएगा आप। मैंने इसको कवर कर दिया था। अब मैं इसमें ये मैंने करीब 300 ग्राम के आसपास मेरे पास ये खोया था, मैंने इसको मिक्सी में पेस्ट लिया था ताकि हमारा ये अच्छे से एक बैटर घोल टाइप का तैयार हो जाए।
अब मैं इसको इस तरह से मिक्स कर दूंगी इस तरीके से। मिक्सी में खोए को फेंटने से एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है और लम्स भी नहीं रहते हैं खोए में। इस तरीके से हमारा खोया अच्छे से और जल्दी से मिक्स हो गया है। ये देखिए हमारी किमामी सेवई बनकर तैयार हो गई है और अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और डाल देती हूँ जो मैंने रोक के रखे थे। इसमें मैं थोड़ा सा खोया और डाल दूंगी। ये देखिए हमारी किमामी सेवई बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें खोया थोड़ा सा और डाला है ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाले हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना मिल दे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।